गुड मॉर्निंग क्लास सर, सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी रिमझिम। तो यहाँ पे देख रहे हैं आज आपकी हिंदी रिमझिम हिंदी फर्स्ट है। तो कल भी हमने इसी यही सब्जेक्ट हमने किया था, विषय हिंदी, ठीक है, हिंदी फर्स्ट। और इसमें देखिए हमने जो है एक कहानी पढ़ी थी, ठीक है ना, वो थी मूस की मजदूरी, ठीक है। तो मूस की मजदूरी हमने यहाँ पे पढ़ी थी, एक नागा जो है लोक कथा थी, ठीक है, बहुत ही सुंदर ये कहानी थी बच्चों। पार्ट 5 के अंदर हमने इसको पढ़ा था, ठीक है ना, मूस की मजदूरी। मूस होता है चूहा। तो यहाँ पे देखिए मूस की मजदूरी हमने पढ़ी थी। तो किस तरीके से जो किसान है वो मूस की मजदूरी देता है, और आज भी किस तरीके से किसान जो है मूस की मजदूरी को चुकाते हैं, ये कहानी में आपने पढ़ा था। और कुछ इसमें जो प्रश्न तो नहीं है, लेकिन मैंने इससे खुद से यहाँ पे प्रश्न बनाए हैं, तो इनको आप लिखेंगे। तो ध्यान से सभी बच्चे इसको सुनेंगे और अपनी कॉपी में इसको लिखते जाएंगे। तो सबसे जो पहला इसमें मैंने क्वेश्चन बनाया है, आदमी ने पोखर में क्या देखा, ठीक है ना। आदमी खेत में अपने खेत में काम कर रहा था, उसको अचानक पोखर की तरफ नज़र जाती है, तो उसने पोखर में क्या देखा। तो आदमी ने पोखर में धान का पौधा देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की खेती कौन से महीने में होती है। जो धान की खेती होती है उसने कौन से महीने में उसको देखा होगा, है ना। तो धान की खेती मई जून के महीने में होती है, ठीक है ना। फिर है यहाँ पे, धान की बालियाँ लेने कौन गया। जो धान की बालियाँ पोखर के अंदर जो लहरा रही थी, तो उनको लेने कौन गया होगा। तो धान की बालियाँ लेने मूस गया। अगला देखिए, पोखर का समानार्थक, मतलब पोखर को हम और क्या कहते हैं। पोखर को हम तालाब कहते हैं, ठीक है ना। आम शब्दों में, अपने शब्दों में हम उसको क्या कहते हैं, तालाब कहते हैं, पोखर भी उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल का पर्यायवाची शब्द क्या है। जल का पर्यायवाची शब्द पानी है, तो जल को हम क्या कहते हैं, पानी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूहा कहाँ रहता था। जो चूहा था जो किसान के पास, ठीक है ना, तो चूहा जो है बिल में रहता था, आज भी बिल में ही रहता है, ठीक है ना। आज भी चूहे जो हैं बिलों में ही रहते हैं वो लोग। और अनाजों के नाम लिखो। हमने यहाँ पे अनाजों के कुछ नाम लिखे हैं, जैसे हमने धान यहाँ पे देखा, तो गेहूँ, चावल धान वही होता है, मक्का, बाजरा, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आज आपको क्या करना है, अपनी कॉपी पे करना है, ठीक है ना। तो सभी बच्चे इन प्रश्नों को करेंगे और साथ में एक बार इस पाठ को पढ़ेंगे, और दो तीन क्वेश्चन आपको भी ऐसे ही ढूँढने हैं, ठीक है ना, ऐसे ही ढूँढने और अपनी कॉपी पे उनको खुद से करना है, ठीक है ना। पाठ को पढ़ेंगे, फिर वहाँ से क्या करेंगे, क्वेश्चन उतारेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे, फिर उसी का आंसर आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है ना। आपने क्वेश्चन बनाया है तो आपको आंसर भी उसी पाठ से मिल जाएगा। तो सभी बच्चे इस पाठ को आज पढ़ेंगे, और जो मैंने यहाँ पर प्रश्न दिए हैं इन प्रश्नों को आप करेंगे, और साथ में जो दो तीन क्वेश्चन मैंने आपको बोले हैं बनाने के लिए, उनको भी आप बनाइएगा और उनके आंसर भी साथ में लिखेंगे।